अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसी देख रहे हो जिमीदार एग्री सर्विसेज और मैं स्नैन रजा। वीडियो शुरू करने तो पहले मैं रिक्वेस्ट करांगा कि मेरे चैनल नूं सब्सक्राइब कर दे और बैल आइकन मेरी जिहड़ी आने वाली वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे और उहदा नोटिस तुहानूं मिलता रहे। अज असीं आपदे नाज़रीन वास्ते वीडियो लैके आए कॉर्न पिकर दे हवाले नाल, ताकि बारिया मक्की दा जिहड़ा सीजन है वह करीब है और जिमीदार नूं लेबर दे हवाले नाल बहुत ज़्यादा मुश्किलात दा सामना करना पैंदा। अगर मौसम खराब हो जाए, अगली फसल लेट हुंदी है और लेबर जिहड़ी लेबर दे थ्रू अगर तुसीं हारवेस्टिंग मक्की दी करवाउंदे हो तो मक्की जिहड़ी तुहाडी उह लेट हो जाती, मक्की दी छलाई लेट हो जाती, मक्की दी हारवेस्टिंग लेट हो जाती, उहदी वजह तों तुहाडी अगली फसल लेट हो जाती और पूरे साल की तरतीब जिहड़ी उह फार्मर की खराब हो जाती है। अज असीं लैके आए कॉर्न पिकर दे मुतलक वीडियो, कॉर्न पिकर किस तरह काम करती है और किन्ने दिन दे विच या किन्ने घंटियां दे विच एक एकड़ की कटाई करती है और दिनों का काम घंटियां दे विच जिमीदार किस तरह आपका करवा सकता है और टाइम की बचत किस तरह कर सकता है और अपने पैसे किस तरह बचा सकता है। मार एग्री सर्विसेज हज़रत करमा वाला उकाड़ा इन्हों का है शोरूम, जिहड़ा हारवेस्टर का चौधरी महबूब साहब काम करते हैं, असं उन्होंने को आए हैं। अज उन्हों का अज असी इंटरव्यू करांगे, जिहड़े कि अपने जिमीदार भाइयों इंपोर्ट करके हारवेस्टर प्रोवाइड करते हैं और हारवेस्टिंग वास्ते इन्हों को हारवेस्टर है और कॉर्न पिकर है, कबूटा मशीन ने, टोटल ये बारे असी गलबात करांगे चौधरी महबूब साहब नाल। असीं अज उन्हां कोल हाज़र होए, अज उन्हां दा इंटरव्यू करांगे कि जिमीदारां नूं कि कि सर्विसिज़ दे रहे हैं और किन्ने अरसे तो काम कर रहे हैं और उन्हां दे सोर्स कि मुल्क दे विच ने और कि मुल्क की इंपोर्ट दी मशीन उन्हां दे कोल मौजूद ने। आओ जी असीं गल करांगे चौधरी महबूब साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। चर साहब की हाल चाल? अलहमदुल्ला बिल्कुल ठीक ठाक जी। चर साहब करमा वाले दे रहशी हो जी? हाँ जी हज़रत करमा वाले दे रहशी जी। चल साहब हारवेस्टर का काम आप कितनी देर तो करते पे जी? ये असी जी पहले हारवेस्टर होंगी सी वो तो पहले असी तकरीबन कोई 15-16 साल काम किया। असी नई टेक्नोलॉजी एक लैके आए हूँ, ये डिफांग मशीन है, चाइना तो इंपोर्ट की है। चाइना की इंपोर्ट है जी? चाइना की इंपोर्ट है। तो यह कॉर्न पिकर के नाँ तो ज़्यादा लोग जानते हैं। ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस जी है तकरीबन 10 से 15 एकड़ है। ठीक है जी। और जिमीदार वास्ते बहुत फायदेमंद चीज़ है क्योंकि मौसमी हालात जेडे साडे मुल्क बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज, तुम हर बंदे नूं पता है कि बाद सावन भादरों मौसम एक ऐसा आता जिस छलियां नूं काफ़ी नुकसान हो जाता है। अच्छा, मैं 3-4 साल मैं भी एग्रीकल्चर की फील्ड नाल ही वाबस्ता हाँ। जिमीदारां नूं थोड़ा जिहा तुसीं आपदे जबान दे विच दसो कि जिमीदार अगर लेबर कोलों मक्की छलाउंदी है उहदा की नुकसान है और इहदे कोलों छलाउंदी है इहदा फायदा की है, इह थोड़ा जिहा फर्क? देखो जी, जिमीदार अगर 25 एकड़ मकई एक बंदे दी है तो उहनूं छलाउण वास्ते उहनूं कम अज़ कम भी 15 से 16 दिन लगते हैं। ठीक है जी। ये जी मशीन हैगी है, एक दिन के मतलब 12-13 एकड़ कटाई कर दी है, 15 एकड़ कर दी है, तो दूसरे दिन जिमीदार को फारग कर देती है। ठीक है जी। वह फायदा यह होएगा कि जिमीदार अर्ली इनू अपना जमीन तो खुशक जगह पर इनू फैला के टाइम ने इनू अपना हारवेस्टिंग करे और मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकता है। मकसद तुहाडा इह कहण दा कि जिहड़ा दिनां दा काम आ जिमीदार घंटियां दे विच कर सकदा, तां कि मौसम अगर खराब होवे, अगर कोई बंदे अगली फसल लेट हो रही होवे जिमीदार दी, तां जल्दी तो जल्दी जिमीदार मतलब आपदी फसल नूं क्लोज कर सकदा और अगली फसल जल्दी तो जल्दी ट्रांसप्लांट कर सकदा। ठीक है। अच्छा चौर साहब, इस कॉर्न पिकर दे बारे सानूं मजीद थोड़ी इनफॉर्मेशन देवो। अच्छा, चाइना दी इंपोर्ट है और इहदा इंजन किन्ने हार्स पावर दा और किन्ने दे विच फार्मर नूं, अगर फार्मर किसी ने परचेज करनी होवे तो उहनूं किन्ने विच पवेगी? इत्थे अज दा रेट तुसीं दसणा, नैक्सट अगर डॉलर घटदा वधदा वो तो फिर बाद दी गल, अज अगर इहनूं कोई इंपोर्ट करना चाहे, तुहाडे कोल लैणा चाहे तो तुसीं उहनूं किन्ने देवोगे? अगर कोई बंदा तुहाडे कोलों कॉर्न पिकर दे थ्रू मक्की दी हारवेस्टिंग करवाउणा चाहे उहदा तुसीं सानूं दस्सो वी उहदा लेबर जिहड़ी कास्ट है, लेबर अगर टाइम ज़्यादा लाउंदी उहदी कास्ट किन्नी है और तुसीं इहदे नाल टाइम शॉर्ट दे विच करदे हो तो इहदा तुहाडा फायदा किन्ना है और कितनी इहदा खर्चा किन्ना? देखो जी, अगर जिमीदार साडे कोल इह अज खरीददा ना जी, हाँ जी, इहदी अज दी कीमत हैगी है नैट पेमेंट दी 92 लाख रुपया, और बिल्कुल 0 मीटर मशीन होएगी जी, बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, अगर बंदा साडे कोल कोई काम करवांदा वा तो 9,000 रुपया पर एकड़ इहदा रेट है। हाँ जी। अच्छा, लेबर भी लेबर कितना लेंदी है फी एकड़? लेबर भी तकरीबन सेम रेट है, लेकिन लेबर का टाइम ज़्यादा वा, शॉर्ट टाइम। अच्छा, मैं आपके नाज़रीन को दसी जावा कि एक तो फायदा यह है कि टाइम की बचत है, दूसरा यह है कि जिहड़ा जिहनूं आपां सब खाद कहांगे
सबज खाद नामियाती खाद जिन्ना तैयार होंगी है हारवेस्ट करके जो बकाया जात फसल का बचेगा वह जमीन के जमीन का हिस्सा बन जाएगा और जमीन की ताकत भी बरकरार रहेगी। अगर तुम लेबर को मक्की चलाते हो तो वेद मक्की चला नुकसान यह है कि वह तुम उन्होंने जला दोगे तो जो नामियाती खाद है वह जाया सबज खाद वह नहीं बनेगी जमीन की ताकत दिन ब दिन कम होएगी। ठीक है चोर साहब बहुत मेहरबानी शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया जी। ठीक है नाजरीन जी अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल नू सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन नू दबा दो और इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं तुहाडे वास्ते इस किस्म दी वीडियो लैके हाज़र हुंदा रहा।